आज का हमारा टॉपिक है सेंड माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक ईमेल्स विद न्यू माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल रूल्स तो मान लीजिए आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में अपने क्लाइंट्स की सारी डिटेल्स रखते हैं लाइक फोन नंबर मोबाइल नंबर फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम और अब आप चाहते हैं कि सेम डिटेल्स सेम ईमेल एड्रेस का यूज करके आप अपने क्लाइंट्स को एक मेल भेजना चाहते हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस थ्री की मदद से पर अभी एक इसमें समस्या है समस्या यह है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सल और ऑफिस थ्री के बीच में कोई भी डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है तो यह प्रोसेस आपको बार बार मेन्यूली करना पड़ता है पर आज मैं आपके लिए एक ऐसा ऑटोमेशन लेके आया हूं पेबली कनेक्ट की मदद से जिसमें हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन होगी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में जैसी कोई नई रो एड होती है तो हमारी एक्शन स्टेप मतलब माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस थ्री से ऑटोमेटिकली अपने क्लाइंट को एक मेल चला जाए तो आइए देखते हैं मेरी स्क्रीन पर कैसे मैं ऑटोमेशन बना रहा हूं जैसा कि आप देख सकते हैं ये है मेरा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की वर्कशीट और यहाँ पे मैंने कुछ डिटेल्स ऐड करके रखी हैं कुछ कॉलम्स बना के रखे हैं लाइक नेम ईमेल सब्जेक्ट एंड ईमेल कंटेंट अब हम चाहते हैं कि जब भी हमारे एम एस एक्सल में कोई नई रो ऐड होती है इस वर्कशीट में तो ऑटोमेटिकली हम अपने क्लाइंट्स को एक मेल भेजना चाहते हैं माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक की मदद से तो ये हम कैसे करेंगे ये हम करेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सल और माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक के बीच में कनेक्शन बिल्ड करके पब्लिक कनेक्ट की मदद से कि जैसे ही माइक्रोसॉफ्ट एक्सल में कोई नई रो ऐड होती है तो ऑटोमेटिकली मेल आई का यूज़ हमारे क्लाइंट को एक मेल चला जाए माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक के थ्रू तो चलते हैं न्यू टाइप पर टाइप करते डब्ल्यू डब्ल्यू डॉट पी ए डब्ल्यू एल वाई डॉट कॉम स्लैश कनेक्ट अब देख सकते हैं यह है पेबलिक का लैंडिंग पेज पेबलिक एक बहुत ही अमेजिंग सॉफ्टवेयर है जहां मल्टीपल एप्लीकेशन को कनेक्ट या इंटीग्रेट कर सकते हैं अगर आप नए यूजर हैं तो जाइए साइन अप फॉर फ्री पे जहाँ आपको हर महीने मिलेंगे फ्री टास्क ऐसे ऑटोमेशन क्रिएट करने के लिए अगर आप एक्जिस्टिंग यूजर हैं तो क्लिक करें साइन इन पे और इसके बाद आपके सामने ओपन होंगी पेबली की पांच मेन एप्लीकेशन आज हमको जाना है पे क्योंकि हमको आज एक ऑटोमेशन एक कनेक्शन बिल्ड करना है दो एप्लीकेशन के बीच में तो हम जाएंगे पेबलिक कनेक्ट पे और क्लिक करेंगे हम एक्स नाउ पे इसके बाद हमारे सामने ओपन होगा पैप्ली कनेक्ट का डैशबोर्ड हमको जाना है राइट साइड पे और आप देख सकते हैं यहां पे आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा क्रिएट वर्क फ्लो का आपको क्लिक करना है क्रिएट वर्क फ्लो पे और इसके बाद हमारे सामने एक डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा इस पर हमसे पूछेगा इस वर्क फ्लो को एक नाम देने के लिए तो हम इसे देंगे एक नाम तो मैं इसे नाम दूंगा सेंड माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक ई मेल्स विथ न्यू माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल रोज क्योंकि आज का हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है आज का हमारा ऑब्जेक्टिव यह है कि जब भी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की वर्कशीट में कोई नई रो हम ऐड करें तो सेम डिटेल्स का यूज करके जो भी हमने डिटेल्स ऐड करी है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की इस वर्कशीट में उसका यूज करके माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक से ऑटोमेटिकली हमारे क्लाइंट को एक मेल चला जाए वो भी इस मेल आई का यूज करके जो हमने वर्कशीट में ऐड करी है इसलिए मैंने उसको नाम दिया ही है और मैं क्लिक करूंगा क्रिएट पे और इसके बाद हमारे सामने ओपन

और ऐप करनी है हमको चूज तो हमारी ऐप क्या होगी माइक्रोसॉफ्ट एक्सएल मैंने चूज कर लिया और ट्रिगर इवेंट हम सेलेक्ट करेंगे न्यू रो इन वर्कशीट मतलब जैसे ही माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की वर्कशीट में कोई नई रो ऐड होती है तो ऑटोमेटिकली हमारा वर्कफ्लो ट्रिगर हो जाए और हमारे क्लाइंट को एक मेल चला जाए माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक की मदद से क्लिक करेंगे हम कनेक्ट पे और अब हमको कनेक्ट करना है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का अकाउंट पब्लिक कनेक्ट से एड न्यू कनेक्शन एंड कनेक्ट विद माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल मेरा अकाउंट ऑलरेडी लॉग इन है तो मैं स्क्रॉल डाउन करूंगा नीचे और क्लिक करूंगा यस पे पब्लिक कनेक्ट को दूंगा एक्सेस माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल से कनेक्ट करने के लिए और अब देखिए हमारा ऑथोराइजेशन यहाँ पे सक्सेसफुल हो चुका है हमारा जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का अकाउंट है वो पब्लिक कनेक्ट से कनेक्ट हो चुका है इसके बाद हमारे सामने ऑप्शन आता है वर्क बुक का और वर्कशीट का तो वर्क बुक का नाम हमारा क्या है हमारी वर्क बुक का नाम है मेल लिस्ट तो यहाँ से हम सिलेक्ट करेंगे हमारी वर्क बुक सर्च करेंगे मेल लिस्ट और ये हो गई हमारी वर्क बुक और वर्कशीट क्या है हमारी वर्कशीट है हमारी शीट वन क्योंकि मैंने एक ही शीट बना के रखी है तो ऑटोमेटिकली सिस्टम ने डेटा फेच कर लिया है पब्लिक कनेक्ट पे तो शीट है हमारी शीट वन अब देखिए आप जैसे ही मैं सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पर क्लिक करूंगा तो जो मेरी लास्ट अपडेटेड रो का जो डेटा है वो पेबरी कनेक्ट के पास ऑटोमेटिकली कैप्चर हो जाएगा तो ये जो मेरी लास्ट अपडेटेड रो का डेटा है ये ये कनेक्ट के पास ऑटोमेटिकली आ जाएगा और ऑटोमेशन पूरा इंटीग्रेशन केवल आपको एक बार बनाना है इसके बाद जैसे ही कोई नई रो एड होती है इस वर्क बुक में इस वर्कशीट में तो ऑटोमेटिकली उसका डेटा पेबरी कनेक्ट के पास चला जाएगा और यह वर्क फ्लो ट्रिगर हो जाएगा और ऑटोमेटिकली माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक की मदद से हमारे क्लाइंट को एक मेल चला जाएगा तो ये पूरी प्रोसेस आपको केवल एक बार करनी है इसके बाद की सारी तोस ऑटोमेटिकली पब्लिक कनेक्ट खुद से कर लेगा तो चलते हैं पब्लिक कनेक्ट पे और क्लिक करते हैं हम सी इवेंट्स टेस्ट रिक्वेस्ट पे तो देखिए हमको यहाँ पे एपीआई रिस्पांस रिसीव हो चुका है रो इंडेक्स टू ये था हमारा नाम टेस्ट यूजर ईमेल आईडी सब्जेक्ट एंड ये हमारा ईमेल कंटेंट तो देखिए ये थी हमारी लास्ट अपडेटेड रोड नेम था टेस्ट यूजर ईमेल मेल टेस्ट एट द रेट्लिक्स डॉट कॉम सब्जेक्ट एंड ई मेल कॉन्टेंट तो ये पूरा डेटा कनेक्ट के पास ऑटोमेटिकली कैप्चर हो चुका है अब जैसे ही माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कभी भी कोई नई रो ऐड होगी उसका डेटा ऑटोमेटिकली कनेक्ट के पास कैप्चर हो जाएगा और ये वर्क फ्लो ट्रिगर हो जाएगा तो हमारे जो फर्स्ट स्टेप ऑफ इंटीग्रेशन है वो हमने सक्सेसफुली कनेक्ट कर दिया है मतलब माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को हमने पब्लिक कनेक्ट से लिंक कर दिया है जैसे ही माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कोई नई रो ऐड होगी अब उसका पूरा डेटा पेब्लिक कनेक्ट के पास कैप्चर हो जाएगा पर ये वर्क फ्लो ट्रिगर होगा हर आर्ट

हम चाहते हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का यूज करके हम अपने क्लाइंट को एक मेल भेजना चाहते हैं जिसकी भी डिटेल्स हमने एमएस सेक्शन में ऐड करी हैं क्लिक करूंगा मैं कनेक्ट पे और अब हमारे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365 के अकाउंट को हम लिंक करेंगे पब्लिक कनेक्ट से क्लिक करूंगा मैं एड डी कनेक्शन कनेक्ट विथ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस थ्री और वापस देनी हमको एक्सेस पब्लिक कनेक्ट को तो स्क्रॉल डाउन करेंगे हम नीचे और क्लिक करूंगा मैं यस yes पे और देखिए हमारा ऑथोराइजेशन यहाँ भी सक्सेसफुल हो जाएगा इसका मतलब जो हमारा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365 का अकाउंट है वो भी पब्लिक कनेक्ट से यहाँ पे कनेक्ट हो चुका है अब इसके बाद हमारे सामने आती है फॉलोइंग फील्ड्स लाइक सब्जेक्ट बॉडी कंटेंट एंड रिसिपेंट ईमेल एड्रेस तो यहाँ हम यूज़ करेंगे मैपिंग का अब मैपिंग क्या होता है मैपिंग का मतलब ये होता है कि जो डेटा हमको ट्रिगर एप्लीकेशन में रिसीव हुआ है उसका यूज़ हम यहाँ पे कर लेते हैं वो भी विदाउट मेनुअली टाइप करके लाइक ये जो डिटेल्स हमको रिसीव हुई थी इसका यूज़ हम यहाँ पे कर लेंगे वो भी विदाउट मैन्युली टाइप करके तो जैसे ही देखिए मैं क्लिक करूंगा सब्जेक्ट पे मैं आपको बताता हूँ मैपिंग कैसे की जाती है सब्जेक्ट पे हम क्लिक करेंगे तो देखिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो कि हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन थी वो आपको यहाँ पे शो होने लगेगी और यहाँ पे लिखा है इंसर्ट डेटा फ्रॉम प्रीवियस स्टेप तो जो प्रीवियस स्टेप में हमको पूरा डेटा मिला है ट्रिगर एप्लीकेशन में हमको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का पूरा डेटा मिला है उसका यूज हम यहाँ पे कर लेंगे और मैपिंग के थ्रू ही करेंगे तो ये मैं कैसे करूंगा देखिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इसका ड्रॉप डाउन पर हम क्लिक करेंगे तो ये था हमारा सब्जेक्ट टेस्ट सब्जेक्ट इसके बाद आता है कॉन्टेंट टाइप इसको हम रखेंगे प्लेन टेक्स्ट फिर आता है हमारा बॉडी कॉन्टेंट तो बॉडी कॉन्टेंट क्या था हमारा दिस इज एन ऑटोमेटेड ई मेल टू टेस्ट नो नीड टू रिप्लाई तो ये था हमारा बॉडी कॉन्टेंट इसके बाद आती है हमारी रेसिपियट ई मेल एड्रेस तो यहाँ पे हमको मैप करनी है ई मेल एड्रेस तो ये थी हमारी ई मेल एड्रेस तो ये पूरी फील्ड्स यहाँ पे मैंने फिल कर दी हैं लाइक जो हमारा सब्जेक्ट था जो हमारा बॉडी कंटेंट था और जो हमारी रेसिपी ई मेल एड्रेस थी वो सारी डिटेल्स मैंने यहाँ पे मैप कर दी है अब मैपिंग क्यों जरूरी होता है मैपिंग की प्रोसेस इसलिए बहुत जरूरी होती है क्योंकि जब भी यह फ्लो रन करेगा ऑटोमेटिकली जो डेटा मैंने मैप किया है ये नई डेटा से चेंज हो जाएगा अगर हम यहाँ पे मैनुअली टाइप करते तो ये डेटा हमेशा स्ट्रेटिक रहता जब भी ये फ्लो रन करता ये डेटा हमेशा स्ट्रेटिक ही रहता और ये कभी चेंज नहीं होता इसलिए मैपिंग करना बहुत जरूरी होता है अब देखिए जैसे मैं क्लिक करूंगा सेव एंड सेंट टेस्ट रिक्वेस्ट पर ऑटो तो जो और ये जो ई मेल कॉन्टेंट और हमारा सब्जेक्ट है और ये जो मेल आई डी है इस पर एक मेल रिसीव हो जाएगा हमारे क्लाइंट को देखिए मैं क्लिक करता हूँ सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे और यहाँ पे हमको एपीआई रिस्पॉन्स पॉजिटिव रिसीव हुआ है इसका मतलब पब्लिक कनेक्ट की मदद से एक मेल हमारे क्लाइंट को चला गया होगा जो भी मेल आई डी हमने यहाँ पे मैप करी थी तो चेक करते हैं हमारा मेल आई डी तो देखिए यहां पे हमको एक मेल रिसीव हुआ है इसको करता हूँ मैं ओपन तो ये था हमारा सब्जेक्ट टेस्ट सब्जेक्ट दिस इज एन ऑटोमेटेड ई मेल टू टेस्ट नो नीड टू रिप्लाई तो इसका मतलब जो हमने ऑटोमेशन क्रिएट करा था वो वर्क कर रहा है सिंपली दो स्टेप में बहुत ही सिंपल दो स्टेप हमने पूरा ऑटोमेशन बना लिया है कि जैसे ही माइक्रोसॉफ्ट एक्सल में कोई नई रो एड होगी तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस थ्री की मदद से ऑटोमेटिकली एक मेल चला जाएगा तो इसमें हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन थी माइक्रोसॉफ्ट एक्सल उसमें जैसी कोई नई रो एड हो रही थी हमारी वर्कशीट पे तो एक्शन मतलब माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365 से ऑटोमेटिकली एक मेल जा रहा था हमारे क्लाइंट को तो सिंपली दो स्टेप में हमने ऑटोमेशन बना लिया है एवरी एट आवर्स का मतलब मैंने आपको बता दिया है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल और पैब्लिक कनेक्ट के बीच का जो कनेक्शन है वो एक पोलिंग बेस्ड कनेक्शन है तो हमारा जो ट्रिगर है वो हर आठ घंटे में जाके माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल से डिटेल्स फैच करेगा अगर आप भी इस वर्क का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो मैं इसका लिंक अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा जहां आप इसे बड़ी आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं सिर्फ यही नहीं आप और भी एप्लीकेशन के इंटीग्रेशन पब्लिक क्रेनेट की, की मदद से बना सकते हैं इसके लिए आप हमें ई कर सकते हैं सपोर्ट पर अगर आपको कोई क्वेरीज है आपके कोई डाउट्स है तो आप जा सकते हैं फॉरम पर अगर आपको प्राइसिंग रिलेटेड कोई इशू है तो आप जा सकते हैं इस लिंक पर अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें थैंक यू